दोस्तों, क्या आप लोग भी फ्लिपकार्ट से किए गए ऑर्डर को रिटर्न या एक्सचेंज करना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट से किए हुए ऑर्डर को रिटर्न कैसे किया जाएगा या एक्सचेंज कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट का बटन दिखता है। आपको सिंपल से अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ऑर्डर्स के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपके रिसेंट ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो भी आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से मंगा कर रखे होंगे। तो यहीं पर हमारा एक ऑर्डर आ रहा है जो कि हमारे 6 फरवरी को डिलीवर हुआ था। अब हम सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर की समरी निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर लिखकर आ चुका है कि ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। अब दोस्तों, इसकी रिटर्न पॉलिसी जो है वो 16 फरवरी तक अवेलेबल है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको एक रिटर्न का बटन शो हो रहा होगा। अगर आपको रिटर्न का बटन शो नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, नीड हेल्प पे क्लिक करने के बाद कस्टमर केयर से सपोर्ट लेंगे और उनसे अपनी प्रॉब्लम रखेंगे कि यहाँ पर रिटर्न बटन नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका भी रिटर्न बटन आने लगेगा। अब दोस्तों, आपको सिंपल से क्या करना है, अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं, आपको सिंपल से रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है रीज़न फॉर रिटर्न, मतलब कि आप लोग इस ऑर्डर को क्यों रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ पे रीज़न कई सारे हैं। पहला आ रहा है कि अगर आपका ऑर्डर टूटा फूटा निकल गया है, या आपके पास प्रोडक्ट पहले से है, आप लोग इसको नहीं चाहते हैं, या आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, या गलत आइटम आ गया है, या कुछ ऑर्डर में मिसिंग है, या आपको साइज़ गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जैसे क्या करेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर आपको क्लिक बटन दिखेगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, मतलब हमने जितना सोचा था उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉट हैप्पी विद सोल क्वालिटी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट करनी पड़ेगी, जो कि कम से कम 5 शब्दों की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फैब्रिक क्वालिटी इज नॉट टू गुड। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना जो है लिख दिया है रीज़न। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे कंटिन्यू पे बटन क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब दोस्तों, जो लोग रिटर्न करना चाहते हैं वो इसे रिफंड पे क्लिक करेंगे इस पे। अगर आप लोग इसकी जगह पे दूसरा मंगाना चाहते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज करना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ नीचे आपको बटन दिया जा रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे। अगर आप लोग इसके बदले में दूसरी चीज़ मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आप लोग एक्सचेंज में कौन सा कलर मंगाना चाहते हैं, रेड ब्लू। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो रिप्लेसमेंट में क्या होगा, यही ऑर्डर दोबारा से आ जाएगा, सेम प्रोडक्ट आएगा लेकिन दूसरा आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पर रिफंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट मेथड में जहाँ से हमने पेमेंट किया था, ये पेमेंट उधर ही आएगा जिधर से हमने पेमेंट किया था इसको। वरना आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा, आप लोग अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेंगे, उसी में आपका बैंक अकाउंट में ही पैसा रिफंड का आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल पेमेंट मेथड लगा हुआ है, जहाँ से पैसा आया, हमने पे करा था, वहीं पर आकर पहुँच जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपल यहाँ पे एड्रेस पिकअप एड्रेस दिखा रहा है, अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है पहले पिकअप होगा, उसके बाद रिफंड आ जाएगा तुरंत ही। तो हम क्या करेंगे, सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने सबमिट किया, ये देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है। एंड यहाँ पे अब क्या होगा कि एक दिन में, या आज या कल में, आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा, कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे ये ऑर्डर आपसे लेकर जाएगा, उसके बाद आपका रिफंड आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बैक जाकर देखते हैं तो हमारा जो ऑर्डर है वो रिटर्न एक्सेप्ट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर रिटर्न के लिए लग चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है कि 13 फरवरी को ये ऑर्डर यहाँ से पिकअप कर लिया जाएगा और रिफंड हमारा 14 तक आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपने किसी भी ऑर्डर को रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्सचेंज करते तो एक्सचेंज में प्रोसेस चला था, यहाँ पे रिटर्न करने वाले हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है। तो आई होप दोस्तों, इस वीडियो से आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आगे की न्यू वीडियो में।